हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का कुछ सवाल आपके बीच लाया हूँ। अब देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहला सवाल जो आपके सामने है वो देखिए, वो क्या है। इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेलुएट, नंबर वन सवाल में कह रहा है 1 + sin थीटा (1 - sin थीटा) / 1 + cos थीटा (1 - cos थीटा, इसका मान निकालने के लिए कहा गया, और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान निकालने के लिए कहा गया। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान ये देना है कि यहाँ पे एक एंगल जो है उसको थीटा मान लेना है। अब सी एंगल जो है इसको हम थीटा मान लें, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो एंगल हम लोग लेते हैं उसके सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो निश्चित रूप से ये जो है पी परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी ए बी भुजा जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। बी सी जो है वो इसका बेस हो जाएगा, ठीक है, और ए सी क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेनस, ठीक। अब इसमें परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना, हाइट कितना है, वो हमें किससे मिलेगा, तो यहाँ जो समीकरण में आपको दिया हुआ है कि कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें जो दो रेशियो है वो कौन कौन सा है, वो परपेंडिकुलर बेस का है रेशियो या हाइपोटेनस और बेस का रेशियो है। तो सबसे पहले देखिए, हम जानते हैं, वी नो दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हम लोग को मालूम है। इसको अगर शॉर्ट में करें तो बेस बाय पी। अब इतना बराबर दिया कितना है, यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो क्या इसको हम b बाय पी लिख सकते हैं। अब अगर b बाय पी लिख सकते हैं इसको, तो इससे पता चल रहा है हमें कि यहाँ पर बेस कितना है और परपेंडिकुलर कितना है, यानी सो बेस जो होगा वो bc है, bc इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 7, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे परपेंडिकुलर p जो होगा वो ab होगा, ab इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 8। अब देखिए, आपको बेस मिल गया है और परपेंडिकुलर मिल गया, तो आप जो यहाँ पे साइन कॉस इत्यादि का जो मान निकालेंगे उसमें आपको हाइपोटेनस लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस जो है ए सी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेनस यानी एच इज इक्वल टू व्हाट, तो एच बराबर हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए, आपको p मिला हुआ है और b भी मिला हुआ है, p कितना मिला हुआ है 8 का होल स्क्वायर करेंगे, और ये कितना मिला है 7 का होल स्क्वायर करेंगे, दोनों मिला हुआ है, ठीक।
अब आगे बढ़ते हैं, ये एच कितना आएगा इसको कैलकुलेशन करके ही हम पता कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एच कितना आने वाला है, इसको कैलकुलेशन करिए, 64.49। एच हमें मिलने वाला है 311 अंडर रूट, 113 अंडर रूट। इसको रूट नहीं निकाल सकते हैं पूरी तरह से, इसलिए इसको यूं ही यहीं पे छोड़ दीजिए। इसका मतलब एच हमें मिल गया, देखिए यहाँ पे बेस भी मिल गया, परपेंडिकुलर भी मिल गया और एच भी मिल गया। उस हिसाब से अगर हम आपको फिगर में ले चलते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे बेस मिला हुआ है, बेस कितना मिला हुआ है देख लीजिए, 7 मिला हुआ है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना मिल गया है, 8 मिल गया है। हाइपोटेनस देखिए अब कितना मिल गया है, अंडर रूट 113। यहाँ तक क्लियर है? अब जब इतना क्लियर हो गया तो आप समीकरण, आप जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देखिए, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें हम क्या करेंगे, सभी रेशियो को बैठा देंगे और बैठाने के बाद देखेंगे इसका मान कितना आया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको बहुत ध्यान से आप देखिए, आगे चलते हैं, सभी रेशियो पता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है 1 नंबर का, वो हम यहाँ पे रखते हैं। ये क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट थीटा, और यहाँ पे 1 इसको ब्रैकेट में रखते हैं, और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे है 1 माइनस, यहाँ पे कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका वैल्यूएशन हमें निकालना है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे एक फिगर देख लीजिए जो अभी अभी तुरंत हम लोग बनाए हैं, ABC। यहाँ पे देखिए एच आप निकाल लिए थे 113, ठीक है। बी जो है हमें पता था, बी कितना था और पी कितना था, पी भी पता था और बी भी पता था। बी था 7 और पी कितना था, 8 था, ठीक है। ये सारा मान हमें मिला हुआ है जैसा कि आप इस फिगर में देख चुके हैं, ठीक है। अब आप आगे आइए, ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। अब यहाँ पे हम इसका वैल्यूएशन पुट करते हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस, अब साइन थीटा ये वाला कौन आपका थीटा है, तो साइन थीटा के लिए देख रहे हैं कि पी और एच का रेशियो होता है, तो यहाँ पे लिखें पी बाय एच 1 माइनस पी बाय एच। बहुत ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं है इसमें, अच्छा से ध्यान देखिए, 1 प्लस बी बाय एच, कॉस थीटा का मान बी बाय एच रेशियो, 1 माइनस बी बाय एच। बस यहाँ पे ये कर लिए हैं। अब एकदम आराम से इसको देखते जाइए और मान बैठाते जाइए। देखिए 1 प्लस पी के लिए आप बैठा दीजिए 8, और एच के लिए बैठा दीजिए √113। इसका काम हो गया। फिर यहाँ वही काम करिए, 1 माइनस पी के जगह पे बैठा दीजिए 8 डिवाइडेड बाय 113 बैठा दिए, फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब देखिए बी बाय एच, तो बी के लिए 7 बैठाइए, और डिवाइडेड बाय √113। यह हो गया काम। फिर लिखेंगे 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय √113। अब ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना पड़ेगा, जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वही आपका आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले ऊपर का देखिए, इसको अगर हम
भिन्न का जोड़ करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सो देख लीजिए कि a प्लस बी और a माइनस बी, अगर ऐसा सूत्र में इसको अगर हम सजा के देखें तो वन स्क्वायर और माइनस एट बटे 113 का होल स्क्वायर। यहाँ भी देखिए एकदम सेम चीज़ है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको क्यों ना हम उस सूत्र में इसको हम कन्वर्ट कर लें, तो वन स्क्वायर माइनस एट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 113 और इसका भी होल स्क्वायर कर लें, बात बराबर, डिवाइडेड बाय वन स्क्वायर माइनस सेवन बाय अंडर रूट 113, इसका भी क्या करें होल स्क्वायर कर लें। अब देखिए इसमें आपका क्या मिलने वाला है वो देखिए, यहाँ पे वन का स्क्वायर यानी वन है, माइनस 64 लिख देंगे, और यहाँ देखिए रूट और स्क्वायर दोनों एक साथ है इसलिए 113 कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49 और 113, इसका रूट हट जाएगा, ठीक, यहाँ तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए इसका आप फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113, ठीक, फिर डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 और डिवाइडेड बाय 113, ऐसा कर लिए हैं। अब यहाँ देखिए ये और ये मल्टीप्लाई में आएगा तो कट ही जाएगा, अब इसको केवल माइनस कर लीजिए, 13 में 4 माइनस करिए 9, ठीक है, उसके बाद ये आएगा आपका 10 में 4 माइनस कर दीजिए, 10 में 6 माइनस करिए 4 और डिवाइडेड बाय, चूँकि 13 कट ही गया है, और यहाँ 13 में 9 माइनस करिए 4 और ये बच गया 10 में तो 64 आया है, कितना 49/64, ये जो मान आया 49/64 ये किसका मान है, तो हमने जो इक्वेशन वन, ये क्वेश्चन नंबर वन का जो सवाल था उसका मान हम निकाल के लाए हैं, कितना आया 49/64 और यही आपका आंसर हो चुका है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जब एक नंबर का सवाल बना लिए हैं तो दो नंबर का सवाल देखिए कितना आसान होने वाला है। अब यहाँ देखिए दो नंबर में लिखा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ जब दिया है तो कॉट बराबर होता है बी बाय पी और इसका होल स्क्वायर करेंगे, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब देखिए जो बेस है उसका वो 7 है मालूम है, और P आपको दिया हुआ ही है 8 पहले से ही दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे इसको होल स्क्वायर कर लेंगे, और होल स्क्वायर करने से आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ देखिए सेम मिल जा रहा है 49 डिवाइडेड बाय 64, तो इसका भी देखिए आंसर वही मिलने वाला है 49 डिवाइडेड बाय 64, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, अगर ये हमें प्रमाणित करने भी कहता कि आप प्रमाणित करिए कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम लोग एक बार LHS से चल के ये निकाल लेते हैं और RHS से चल के ये निकाल लेते हैं, दोनों इक्वल हो जाता है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो 7 नंबर आप सवाल देख लिए हैं, अब चलते हैं 8 नंबर का सवाल। अब देखिए आपके स्क्रीन पर 8 नंबर का सवाल आ गया है। अब 8 नंबर का सवाल में क्या है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक भीतर 1 माइनस 10 स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A
और नॉट, क्या हम चेक करके इसको देख सकते हैं कि क्या ये मान जो दिया हुआ है ये मान इसके बराबर है क्या? अगर है तो यस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। कहने का मतलब हमको यहाँ पर प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि ये जो LHS में मान दिया हुआ है, ये जो LHS में मान दिया हुआ है, ये LHS का मान किसके बराबर है तो RHS के बराबर है, ये हमें साबित करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि क्या है राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं। लेकिन देखिए एंगल ए जो दिया है, यहाँ पे ए दिया है, तो हम सुविधा के लिए हम ए यहाँ पे कर लेते हैं और सी यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, आप भी ऐसे कर लेंगे तो ज़्यादा सुविधा होगा। यहाँ पे देखिए थीटा वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ये जो एंगल है इसको हम लोग ए ही समझेंगे, क्योंकि यहाँ ए है तो इसको हम लोग ये एंगल को हम लोग ए ही समझते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्योंकि जो भी एंगल लेते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने वाला आपका हाइपोटेनस हो जाता है और जो शेष बचता है उसको बेस कहते हैं। गिवन क्या दिया हुआ वो देखिए, 3 cot A = 4 और cot A = 4/3। हमें एक रेशियो मिल गया, देखिए चूंकि cot का जो रेशियो होता है वो होता है B/P = क्या लिख सकते हैं 4/3। इससे क्या पता चला, इसलिए B = यहाँ पे 4 पता चल गया और P = 3 पता चल गया। ठीक है, अब H = यहाँ हमें पता नहीं चला। तो देखिए आपका B यहाँ पे खाली है, इसको हम भर दें, यहाँ पे 4 होना चाहिए, P के जगह पे 3 होना चाहिए और यहाँ देखिए H के जगह पे हमें अभी पता नहीं है। पाइथागोरस यूज करेंगे तो बोलिए पाइथागोरस में H = क्या होता है, P² + B² √ होता है। तो इस तरह से हम इसका मान निकाल सकते हैं, P के जगह पे 4² + 3² √ कर लेंगे। आगे बढ़िए, 16+9 √, आगे बढ़िए 25 √, 25 का वर्गमूल निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब h भी आपको अब पता हो गया है, यानी h = 5 हो गया। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए H = 5। अब हमें देखिए B, P और H, बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, सब का सब पता हो गया। जब सब का सब पता हो गया तो हम चेक करके देख लेते हैं, तो चलते हैं LHS से चलते हैं। ठीक है, LHS से चलते हैं, LHS फ्रॉम LHS से, फ्रॉम LHS। अब LHS में देखते हैं कि क्या है, LHS में दिया है 1 - 10² A / 1 + 10² A। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम लोग RHS सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या दोनों में मान क्या क्या आया। अब = थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए, ये आपका H है, H है जो कि 5 आ चुका है। ठीक है, और थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि B और P क्या है, B 4 है और P 3 है। ठीक है, P = 3 है और B = 4 है। आपको सामने ले आए हैं, ज़्यादा सुविधा हो गया यहाँ देखने से। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 - 10² A, तो 10² का रेशियो आपका मिलता है P/B
टेन किसका रेशियो बताता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बताता है, होल स्क्वायर डालेंगे, वन प्लस फिर वही बात, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बता दिया, वन माइनस, अब आपके बीच में सामने देख लीजिए, सब सामने है, पी बराबर कितना है, बी बराबर कितना है, क्लियर, डिवाइडेड बाय वन प्लस, यहाँ भी वही बात, थ्री बाय फोर, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए वन माइनस नाइन डिवाइडेड बाय सिक्सटीन, फिर वन प्लस नाइन डिवाइडेड बाय सिक्सटीन, आगे बढ़ते हैं, सिक्सटीन माइनस नाइन डिवाइडेड बाय सिक्सटीन, फिर सिक्सटीन प्लस नाइन डिवाइडेड बाय सिक्सटीन, काट दें, सिक्सटीन में नाइन माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, सात, सेवन, और डिवाइडेड बाय इसको जोड़ दीजिए, ट्वेंटी फाइव, कितना आ गया है, सेवन बाय ट्वेंटी फाइव, ये मान आपका कहाँ से मिला, एलएचएस से मिला, तो क्या आरएचएस में भी इतना ही मिलने वाला है, अगर इतना आरएचएस में भी अगर मिल जाता है तो निश्चित रूप से ये सही है, और नहीं मिलता है तो ये गलत है। चलते हैं आरएचएस से, फ्रॉम आरएचएस, अब आरएचएस में बताइए क्या दिया हुआ है, आरएचएस में दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही तो दिया। अब इसमें मान जब बैठाते हैं तो देखिए कॉस के लिए अब बार बार बताया गया है कि बी बाय एच यानी बेस और हाइपोटेनस का होल स्क्वायर करेंगे, और साइन का हो गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए बेस के जगह पर हम यहाँ से देखिए आपको सब सामने हैं, एकदम बिल्कुल सामने हैं, सामने हम बना दिए हैं, कर दिए हैं, इसलिए आपको कोई असुविधा नहीं है। यहाँ देखिए बी के जगह पर कितना बैठा देंगे, चार बैठा देंगे, एच के जगह पर बताइए कितना बैठा देंगे, पाँच बैठा देंगे, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, पी के जगह पर यहीं से ले लीजिए थ्री, और एच यहीं से ले लीजिए कितना, फाइव, इसका भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसका आता कितना है, 16 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25। अब अगर इसको हम माइनस करते हैं तो निकल के आता है 16 माइनस 9। अब 16 में माइनस 9 कर दीजिए, 16 में माइनस 9 कर दीजिए तो 7 आएगा डिवाइडेड बाय 25। तो क्या ये जो LHS आपका आ चुका है, ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, ये LHS जो आ चुका है वही क्या है, ये RHS भी आ गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। इसलिए ये जो आंसर कहता है वीदर यस और नो, तो क्या लिख देंगे, यस, क्योंकि ये जो मान है ये दोनों मान क्या है, इक्वल है, यानी हम कह सकते हैं कि वन माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इफ थ्री कॉट ए इज इक्वल टू फोर, देन द वैल्यू ऑफ गिवन इक्वेशन आर ट्रू। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ने के बाद देखिए एक क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन के सामने, अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, अब देखिए यहाँ पे आपको बाध्य कर दिया गया है कि बी जो है आपको राइट एंगल बनाना है, इफ टेन ए इजकल टू वन डिवाइडेड बाई रूट थ्री फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए ये बहुत ही
आसान तरीके से यहाँ पे आपको बताया जाएगा, आपको जरा भी इसमें असुविधा नहीं होगा, ठीक है। आपको फिगर के साथ यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे देखिए साइन ए भी है और साइन सी भी है। देखिए हर जगह ए है और सी है, ठीक है। तो इसलिए ए और सी जब दिया हुआ है तो हर बार क्या होगा, एंगल ए रखेंगे तो उसका परपेंडिकुलर, ठीक है, और बेस कुछ अलग होगा, एंगल सी रखेंगे तो इसका कुछ अलग होगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि हमेशा इंटरचेंज करते रहेंगे, सॉरी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो फिगर ड्रॉ करेंगे, एक साइन ए के लिए एक साइन सी के लिए। तब क्या होगा, बहुत अच्छी तरह से आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एंगल ए के लिए जो डायग्राम हम बना रहे हैं यहाँ पे, पहले देखिए जो दिया हुआ है उसको पहले लिखिए, गिवन टेन ए इजकल टू वन बाय रूट थ्री और टेन ए, टेन ए जब दिया है तो टेन ए बराबर पी बाय बी, ये हम तो जानते हैं, बराबर वन बाय रूट थ्री, इसलिए P इजकल टू आपका 1 आया और B इजकल टू कितना आ गया, तो रूट थ्री आ गया। इसलिए H आपको निकाल लेना पड़ेगा, H बराबर क्या होगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट, ये P है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट। P के जगह पे आप बैठा सकते हो 1, आप बी के जगह पे बैठा सकते हैं रूट थ्री का होल स्क्वायर, अब अंडर रूट भी रखिए इसका। अब यहाँ पे आ जाता है 1 प्लस 3 अंडर रूट और ये आ जाता है 4 अंडर रूट और ये आ जाता है 2। तो आपको देखिए एच भी पता चल गया, इसलिए एच बराबर 2, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल है, ए बी और सी। एक बार देखिए एंगल ए के लिए कुछ अलग होगा रेशियो बेस और परपेंडिकुलर का, और सी के लिए रेशियो अलग हो जाएगा। इसी को आपको अच्छी तरह से ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले देखिए, अब जो हम लोग यहाँ पे निकाले हैं एंगल सी के लिए, अगर हम लोग देखें तो एंगल सी के लिए यहाँ पे एंगल एक ए बराबर जब दिया है तो एंगल ए के लिए जब हम लोग देखें, थोड़ा सा हम फिगर को चेंज करते हैं, यहाँ पे सी कर लेते हैं तो समझने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगा। अब एंगल ए के लिए जब हम देखते हैं तो ए के लिए ये हो गया पी, और P बराबर जो यहाँ पे मान दिया हुआ है वो 1 है, खूब ध्यान से देखिए, और B जो है ये दिया हुआ है रूट थ्री, ये भी हम लोग जान गए हैं। अब H अभी तुरंत निकाल के लाए हैं, कितना हुआ 2, ठीक है। तो ये इस फिगर में गौर से देखिए, 4 एंगल ए के लिए आप देखिए, 4 एंगल ए के लिए पी यानी परपेंडिकुलर आपका बी सी है और इसका मान 1 है, क्लियर। अब देखिए बेस क्या है इसका, तो इसका बेस आपको मिल रहा है बी ए या ए बी जो भी बोलिए, और इसका मान आपको मिल रहा है रूट थ्री, और हाइपोटेनस कैन नॉट बी चेंज, इसलिए यहाँ पे एच बराबर आपको ए सी मिल रहा है और ए सी का मान आ गया 2, ध्यान दे दिए। अब देखिए 4 एंगल सी के लिए अगर हम लोग देखें तो सी के लिए पी कौन सा होगा, देखिए सी जब एंगल लेते हैं तो इसके लिए जो सामने वाला है वो पी हो जाता है, यानी यहाँ पर पी बराबर आपका ए बी आ गया,
और ए बी का मान आपका कितना है, रूट थ्री, ठीक है। और ये आपका बेस हो गया, यानी बेस इसका हो गया कौन सा, तो बी सी हो गया इसका बेस, और बेस इसका आ गया वन। और देखिए हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है, इसलिए हाइपोटेनस आ गया आपका टू का टू ही रह गया। और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है ए सी बराबर टू। अब इसको आप गौर से देखिए और यहाँ पे मान निकालने का कोशिश करिए। अब देखिए आपके सामने हम सवाल अब बनाएंगे, वो सवाल ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक नंबर का सवाल देखिए, ठीक है। एक नंबर का जो सवाल है वो देखिए, एक नंबर में क्या दिया हुआ है, एक नंबर में आपका सवाल में है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए, बदल बदल के ले रहा है, और इंटू साइन सी, ठीक है। सवाल सवाल में क्या क्या है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी चेंज किया है, ठीक है। अब इसका मान आपको निकालना है, तो आप गौर से देखिए साइन ए के लिए, अब यहाँ पे आ जाइए आप, एंगल ए के लिए आप आइए, पी बटे बी, तो इसका पी बटे बी जो है हम क्या लिखेंगे, तो साइन ए में आप देखते जाइए पी बटे बी, यानी पी बटे बी अगर हम इसका देखें तो वन बाई रूट थ्री लिखेंगे, इसका वन बटे रूट थ्री लिखेंगे, बस सामने आप देखते जाइए और निकालते जाइए। कॉस सी, अब देखिए कॉस सी में यहाँ आपको देखना पड़ेगा, तो कॉस सी में कॉस सी का रेशियो क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो इसका बेस देखिए वन, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इसका कितना है, एक मिनट, यहाँ पे देखिए साइन ए के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लेना है, तो हाइपोटेनस इसका टू आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए वन इज टू टू पी बाय एच। उसी तरह से कॉस में क्या आता है, कॉस में रेशियो आता है बी बाय एच का, तो यहाँ भी देखिए वन बाय टू ही आ रहा है प्लस। अब यहाँ देखिए कॉस ए, तो कॉस ए जब देखना है तो आप एंगल ए के लिए देखेंगे बी बाय एच, यानी रूट थ्री बाय टू, क्या होगा, रूट थ्री बाय टू इंटू। अब साइन सी देखिए, तो साइन सी देखेंगे तो सी में देखना पड़ेगा और पी बाय एच देखना पड़ेगा, रूट थ्री बाय टू इंटू रूट थ्री बाय टू। अब ये जब मान बैठा लिए हैं तो आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए वन बाय फोर केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस रूट थ्री, रूट थ्री थ्री हो जाएगा अब बाय फोर, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो फोर आता है और यहाँ वन प्लस थ्री आता है इज इक्वल टू फोर बाय फोर आता है, काट लेंगे तो क्या आएगा वन, तो इसका मान कितना आया, ठीक है, इसका मान कितना आ गया, वन आ गया, ठीक है। और सेकेंड नंबर में अगर हम देखें तो इसका मान कितना आने वाला, तो आपके सामने सारा मान दिया हुआ है, आपको अब बैठाना है सी, सी आपको बैठाना है अब दो नंबर का सवाल में कि क्या क्या इसका मान दिया हुआ है। तो देखिए दो नंबर में आपका मान क्या है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो देखिए, कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। ये देखिए ये मान आपका सेकेंड में है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ये मान दिया हुआ है। अब आप नज़र दौड़ाइए यहाँ पर, देखिए जो एंगल ए है तो ए के लिए आपको ये बैठाना है, और एंगल सी है तो सी के लिए आपको ये बैठाना है, क्लियर। तो कॉस ए बी बाय एच,
तो ए के लिए आपको बी बाई एच देखना है, तो देखिए रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू, क्लियर, बी बाई एच, देखिए यहाँ पे बी बाई एच, ठीक है, ये रेशियो ले लेना। फिर देखिए इनटू, यहाँ पे देखिए कॉस सी है, तो अब नीचे चले आइए, कॉस सी में बी बाई एच देखिए वन बाई टू, बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस दे दीजिए। साइन ए, फिर ऊपर चले जाइए, साइन ए पी बाई एच वन बाई टू इंटू साइन सी, अब देखिए साइन सी आपको यहाँ पे देखना है पी बाई एच, तो रूट थ्री बाई टू, साइन सी रूट थ्री बाई टू। अब जब थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो आएगा रूट थ्री बाई फोर, अब माइनस इसको भी मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ रहा है, रूट थ्री बाय टू इंटू टू फोर। अब क्या देखिए, ये दोनों सेम है और दोनों प्लस माइनस है, तो क्या इसको हम कटिंग कर लेंगे, काट के कितना करेंगे, जीरो। तो अब बोलिए इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया सेकेंड जो समीकरण है उसका मान आ गया जीरो, तो एक आंसर आपका ये मिल गया। तो देखिए कितना आसानी से अगर हम एंगल ए के लिए अलग कर लेते हैं, कोई झमेला नहीं है, एक बार आपको फिगर में देख लेना पड़ेगा कि ए के लिए परपेंडिकुलर और बेस कौन सा है, कौन सी के लिए परपेंडिकुलर बेस कौन सा है, और यहाँ पे आप एक चार्ट में आप लिख लेंगे, और लिखने के बाद आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बस इसी को देख देख के आप यहाँ पे भरते जाइए और आपका आंसर एक्यूरेट निकलने वाला है। क्लियर, अब चलते हैं आगे, आगे देखिए आपके सामने कौन सा क्वेश्चन है। अब देखिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है स्क्रीन पर, देखिए इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR इजकल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इजकल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। इसके लिए सबसे पहले देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करिए, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, इसमें आपको ध्यान ये रखना होगा कि ये जो एंगल है इसको आप P रख लीजिए, इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका बेस जो है मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे कहा कि जो एंगल Q है वो राइट एंगल है, तो यहाँ पे Q लिखेंगे और जो शेष बचा R उसको ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एंगल हम ले रहे हैं यानी पी एंगल ले रहे हैं, तो इसके सामने वाला जो साइड है वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी पी हो जाएगा आपका क्यू आर, बेस हो जाएगा पी क्यू, और बेस देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। एच हमें पता नहीं है, तो एच को अगर हम मान लेते हैं, चलिए इसको एक्स मान लेते हैं, तो जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है वो क्या है, तो यहाँ पे देखिए इन इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी आर इज इक्वल टू एच हाइपोटेनस इज इक्वल टू एक्स, इसको हम लोग मान लेते हैं, चलिए इसको मान लिए h, x मान लिए इसको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25, और अब यहाँ पे देखिए पी आर के जगह पे हम x मान लिए हैं, तो यहाँ पे x लिखेंगे अब प्लस क्यू आर इजकल टू 25, और क्यू आर इजकल टू 25 माइनस एक्स। तो अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर क्यू आर जो है वो आपको पता हो गया, और ये जो क्यू आर है अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स, ये आपका परपेंडिकुलर यहाँ पे मिल गया। अब इसका एक्स का वैल्यू जब पता हो जाएगा तब पी प्योर इसका मान पता चल जाएगा कि पी क्या है, ठीक है। अभी क्यू आर या आर क्यू जो भी बोलें इसको, ये हमें मिल गया है 25 माइनस एक्स मिल गया, ठीक है। और
क्यू आर जब मिल गया है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम पी कह सकते हैं, ठीक है। और अब पी क्यू तो हमें दिया हुआ है, पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है तो 5 सेंटीमीटर, यानी ये बेस का काम कर रहा है, ये हमें मिला हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसको लिख लेंगे। अब देखिए पाइथागोरस के नियम भी यहाँ पे जब लगाते हैं तो पाइथागोरस के नियम के हिसाब से क्या हो जाता है, सो देखिए पाइथागोरस के नियम से अगर हम देखें तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और h के जगह पे यहाँ पे हम x माने हैं, h के जगह पे pr है, pr h बराबर x है तो यहाँ पे x बैठाएंगे, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर यानी आपका आएगा 25 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर। इसको और अगर सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का होल स्क्वायर होगा माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ साथ प्लस 25। अब इसमें आप देखें कि एक्स स्क्वायर बराबर के इधर है और इधर है, इसलिए ये दोनों को कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब कैंसिल कर लिए हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो जीरो है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 625 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस यहाँ पे 50x हो गया, अब प्लस यहाँ पे 25 हो गया। अब यहाँ 50x माइनस में इसको बराबर के इधर कर लीजिए तो ये प्लस में आ जाएगा 50x, और ये दोनों को ऐड कर लीजिए तो 2650 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो x का मान निकाल सकते हैं, देखिए, और x इजकल टू निकल के आ गया 650 डिवाइडेड बाय 50। अब इसको अगर हम काटते हैं तो 0 0 काट के 5 से काट दीजिए, 13 से कट जाएगा, इजकल टू 13। अब देखिए x बराबर 13 आ गया, तो आप नए सिरे से आप देखिए यहाँ पे जब x बराबर आपका 13 आ गया, यहाँ पे p था, यहाँ पे q था, यहाँ पे r था कि नहीं था, h बराबर आपका अब 13 आ गया जो कि x था, तो x का मान आप 13 निकाल लिए, तो p बराबर यहाँ पे क्या था, 25 माइनस x था, तो अब बताइए जब p निकालेंगे तो आपका 25 में 13 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, और b आपको पहले से ही दिया हुआ था, b कितना दिया हुआ था, तो b आपका यहाँ पे दिया हुआ था 5 दिया हुआ था, तो ये 5 जैसे है वैसे रह जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इसलिए यहाँ पे देखिए x का मान जो निकला है, हम x को pr और h माने थे, इसलिए pr बराबर h बराबर 13, और qr जो था आपका वो आपका परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर कितना था, 25 माइनस x, ठीक है। अब इसमें 25 में अगर 13 माइनस किए थे तो कितना आ गया था, आ गया था 12। तो सारा यहाँ पे देखिए आपको मिल चुका है, बेस भी मिल चुका है और हाइपोटेनस भी मिल चुका है और परपेंडिकुलर भी मिल चुका है, पी क्यू बराबर बेस बराबर 5 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ये सारा आपका मिल गया है। अब जिसका मान निकालने के लिए कह रहा है उसका मान आप यहाँ पे क्या करेंगे, आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें मान किसका दिया हुआ, किसका निकालने के लिए कहा गया है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सारा चीज़ मिला हुआ है, अब देखते हैं कि मान किसका निकालना है। सबसे पहला मान पूछा है कि वैल्यू निकालना है साइन पी का, साइन पी बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर पी कितना है, 12 है, बैठा दीजिए, हाइपोटेनस कितना है, 13, बैठा दीजिए, ये आपका मान निकल के आ गया। सब यहीं से आप देख करके कर सकते हैं, साइन पी निकल के आ गया। उसके बाद क्या पूछा गया है, कॉस पी, कॉस पी बराबर बी बाई एच, बी का मान कितना है, यहाँ पे देख लीजिए 5,
और h का मान 13, तो 5/13 आ गया। उसके बाद क्या पूछा गया है, उसके बाद पूछा है 10p, तो 10p का मान कितना होगा, तो 10p बराबर p/b। अब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या कितना है यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर तुम आपका 12 है और बेस कितना है, बेस 5 है। तो इस तरीके से हम सबका मान निकाल सकते हैं। 12/13 निकल के आया, cos p बराबर 5/13, और उसके बाद 10p बराबर 12/5, ये तीनों क्या हुआ, तीनों इसका आंसर हो गया। क्लियर। अब आगे बढ़िए, अब देखिए आपके स्क्रीन पर 11 नंबर का सवाल आ गया। स्टेट whether द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हम यहाँ जस्टिफाई करेंगे कि जो मान दिया है वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या ये सही है कि 10a का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। यदि हम एक ट्रायंगल बनाएं जो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें एक एंगल ए ले लेते हैं यहाँ पे, बी पर 90 डिग्री ले लेते हैं और सी पॉइंट ले लेते हैं ऊपर। अब इसमें देखिए कह रहा है कि 10a ऑलवेज लेस देन 1, तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी मान हम इसमें ले सकते हैं, किसी का भी ज़्यादा किसी का भी कम ले सकते हैं। मान लीजिए कि p बराबर हम यहाँ पे 4 लेते हैं और b बराबर 3 लेते हैं, तो अगर 10a हम यहाँ पे निकालेंगे तो 10a बराबर cb/ab इज इक्वल टू यहाँ पे 4 होगा और डिवाइडेड बाय 3 होगा, यानी इसका मान अगर हम निकालें तो 1 से ज़्यादा आता है, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, 10a इज ग्रेटर देन 1। अब देखिए यही ये इस जो सेंटेंस में दिया है उसके हिसाब से तो ये गलत हो गया। ये देखिए द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, यहाँ पे तो देखिए 10a इज ग्रेटर देन 1 आ गया। इसका मतलब कि अगर हम परपेंडिकुलर और बेस में किसी को भी कम और अधिक लेंगे, तो यहाँ पे देखा गया है कि अगर हम परपेंडिकुलर को अधिक लेते हैं और बेस को कम लेते हैं, ठीक है, और ट्रायंगल बनाते हैं और 10a का मान निकालते हैं, तो 10a का वैल्यू क्या आ जाता है, इज ग्रेटर देन 1। लेकिन ठीक इसका उल्टा, अगर हम परपेंडिकुलर कम ले लें और बेस को ज़्यादा ले लें तो क्या आएगा, तो देखिए 10a बराबर, अगर हम इसको 3 बना दें इसको 4 बना दें, तो आएगा 3/4 इजकल टू 0.75। ये क्या है, ये 1 से कम है, यानी यहाँ पर देखा गया है कि 10a इज लेस देन 1, तो यहाँ पे तो ऑलवेज लेस देन 1, इसलिए यहाँ पे ये क्या होगा, फॉल्स होगा, यहाँ ऑलवेज लेस देन 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि 10a इज ग्रेटर देन 1, सो 10a डू नॉट ऑलवेज बिकम लेस देन वन। ठीक है, और ये जो बोला है ये क्या है, फॉल्स, इसको हम फॉल्स लिख सकते हैं। ठीक है, दो एग्जांपल देके हम बता दिए हैं कि पहला में क्या है कि 10a इज ग्रेटर देन 1, दूसरा में लेस देन 1 आया जरूर है परंतु ऑलवेज तो नहीं आया, कभी कभी आ भी सकता है। और अगर हम 45 डिग्री एंगल लेते हैं तो ये इक्वल 1 भी हो सकता है, यानी अगर हम परपेंडिकुलर को और बेस को दोनों सेम ले लेते हैं तो सेम के स्थिति में क्या होगा कि ये 1 के बराबर भी हो सकते हैं,
यानी टेन ए इज इक्वल टू वन भी हो सकते हैं, क्लियर। परंतु ऑलवेज लेस देन वन नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, फॉल्स लिखेंगे। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। सेक ए बराबर क्या 12/5 हो सकता है एंगल ए के लिए? तो एक ड्रॉ करते हैं राइट एंगल ट्रेंगल, इसको ए लेते हैं, ये एंगल को हम बी ले लेते हैं राइट एंगल को, और यहाँ सी ले लेते हैं। अब यहाँ पे इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, और ये हाइपोटेनस हुआ। तो यहाँ पे देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन सेक ए इज इक्वल टू 12/5, ठीक है। और इतना बराबर होता है, सेक ए का मतलब होता है हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस, ये हम लोग जानते हैं। इसलिए एच बराबर यहाँ पे क्या आया, एच बराबर ए सी कितना आ गया, एच बराबर ए सी का मान आ गया 12, और बी बराबर यहाँ पे बेस है, बेस हो गया ए बी इज इक्वल टू आ गया 5। तो अब हम देखते हैं कि ये कह रहा है कि ए के वैल्यू के लिए ये दोनों सही मान दिया हुआ है, ये क्या सच में सही मान दिया हुआ है? तो हम अगर हम यहाँ पर H और B निकाला हुआ है तो P निकाल के देखें, तो P बराबर BC बराबर व्हाट? अब इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो B निकाल, यहाँ पे P निकाल सकते हैं, तो P निकाल के देखेंगे तो क्या पाइथागोरस के हिसाब से P का मान कितना आता है, P इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ पे अगर मान निकालें तो 12 का होल स्क्वायर और माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट, इसमें देखते हैं 144 और माइनस 25, 124 और माइनस 25 का अंडर रूट। अब यहाँ पे आ जाता है 9 और यहाँ पे 13, 3 में 2 जाएगा 1, 19 अंडर रूट आ जाता है, ठीक है, 119 अंडर रूट आ जाता है, मतलब 119 का अंडर रूट। तो अगर पाइथागोरियन थ्योरम से इसको देखते हैं कि इसका पी आता है 119 का होल स्क्वायर, और एक बार हम अगर इसको वेरीफाई करके देखें तो इतना क्या होगा, जब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू अगर एच स्क्वायर आ जाता है अंडर रूट 119 का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आ गया और बी स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर अगर करके देखते हैं तो मान कितना आता है 119 प्लस 25 इजकल टू 144, ठीक है। और 144 जब आ गया इसका मान, तो ये किसके बराबर है, तो ये 12 के होल स्क्वायर के बराबर है। तो इससे क्या प्रूव्ड होता है कि यहाँ पर बी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर के बराबर आ गया है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो दिया गया मान है ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि ये पाइथागोरियन के हिसाब से भी ये क्या हो रहा है, मान बैठ रहा है। और दूसरी बात ये देखते हैं, दूसरा तर्क ये है कि यहाँ पे हाइपोटेनस बड़ा है और बेस क्या है, छोटा है, तो ये बिल्कुल ऐसा संभव है, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज के या किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल के लिए हाइपोटेनस हमेशा बड़ा हो, ये संभव है। तो एक तर्क ये भी हम दे सकते हैं कि इन राइट एंगल ट्रेंगल, इन राइट एंगल ट्रेंगल हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर
ग्रेटर देन देन अदर साइड, और ये इसको फुलफिल कर रहा है, इस हिसाब से ये क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर थ्री, सवाल नंबर थ्री में क्या कहा है सो देखिए। सवाल नंबर थ्री में कहा है कि कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। तो देखिए कॉस ए को हम कोसाइन ए भी बोल सकते हैं, कोसाइन ए बोलते हैं। तो ये कॉस ए का एब्रीविएशन कोसाइन ए हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ कोसेकेंट ए बोलता है तो ये गलत बोल रहा है, क्योंकि कोसाइन कोसेकेंट ए जो होता है ये किसका एब्रीविएशन होता है, ये होता है कोसेक ए का एब्रीविएशन ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कॉस ए का एब्रीविएशन है ये कोसेकेंट ए, तो ये इसका वेरिएशन नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये भी क्या है, फॉल्स है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, फॉल्स। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट कॉट एंड ए। ये देखिए कभी नहीं होता है कि कॉट ए डज नॉट इक्वल टू कॉट इंटू ए, ये ऐसा कभी भी संभव नहीं होता, क्योंकि कॉट ए जो होता है ये कॉट में जो ट्रेंगल का परपेंडिकुलर है और इसका जो बेस है इसका रेशियो बताता है एंगल ए, क्योंकि अलग अलग एंगल ए का मान पर अलग अलग एंगल ए का मान अगर लेंगे तो इसमें ये जो रेशियो है बेस और परपेंडिकुलर का, ये रेशियो क्या होगा, ये अलग अलग यहाँ पे अलग अलग दिखाएगा, ये रेशियो कहीं अलग होगा। ये एंगल अगर हम बदल देंगे, एंगल को अगर हम यहाँ बदल के कुछ और कर देंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी करें, एंगल ए बराबर अगर वाई रखें, एंगल ए बराबर अगर हम जेड रखें, तो अलग अलग अगर मान रखेंगे तो इसका जो रेशियो आएगा, ठीक है, वो रेशियो का मान क्या होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा, ये हमेशा एक जैसा इसका रेशियो नहीं आएगा। तो इसलिए कॉट ए का मतलब हुआ कि कॉट के अंतर्गत जो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है वो अलग अलग आ सकते हैं, तो इसलिए कभी भी ये कॉट और ए का प्रोडक्ट कॉट ए नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, ये फॉल्स है, ठीक है, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच देखिए। क्वेश्चन नंबर पाँच कहता है साइन थीटा इजकल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, तो क्या ये संभव है, देखते हैं। साइन थीटा किसका रेशियो बताता है वो पहले बताइए। ए बी सी अगर हम एक ट्रेंगल लेते हैं, ठीक है, और ये एंगल थीटा लेते हैं, ठीक है, तो पी बराबर यहाँ लिखा है 4 और एच बराबर यहाँ पे लिखा है 3, कैसे पता चला, ये देखिए साइन थीटा बराबर पी बटे एच, यानी पी के जगह पे हो गया 4 और एच के जगह पे हो गया 3। तो देखिए कभी भी राइट एंगल ट्रेंगल में हाइपोटेनस जो अन्य जो इसकी भुजाएं हैं परपेंडिकुलर और बेस, इससे कभी भी ये क्या नहीं हो सकते हैं, तो छोटा कभी भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे 4/3 देने का मतलब हुआ कि ये साइन का जो रेशियो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का बता रहा है उसमें यहाँ पे हाइपोटेनस को ही कम कर दिया, तो एच जो है कभी भी ये कम नहीं होना चाहिए, और इस हिसाब से ये क्या है, ये भी इस हिसाब से फॉल्स है। यहाँ पे लिखेंगे बिकाउज
कारण क्या होगा इसका? बिकॉज हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैनॉट बिकम लेस देन अदर टू साइड ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल। तो बिकॉज हाइपोटेनस कैनॉट बी बिकम लेस देन अदर टू साइड ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल, तो इसलिए कभी भी ये कम नहीं हो सकता है। इस हिसाब से यह क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और अन्य दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।